असलम माई यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक टू सैलक बसे जाफ़री कैसे हैं आप सब लोग मुझे उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे वेल well, मैं भी यहाँ ठीक ठाक हूँ और आज इस व्लाग में मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि मैंने अपने घर में न्याज इमाम जाफ़र साद्लाम की कैसे तैयारी की और अभी मैं फ़िलहाल मैं एक पेड़ सजा रही हूँ वो पेड़ आर्टिफिशियल पेड़ है और इसको पत्ते निकालना तो बहुत ही आसान थे लेकिन इसको दोबारा लगाना बहुत मुश्किल थे तो बहरहाल मैं अभी वो लगा रही थी मैंने कहा सब कुछ करने से पहले ये सबसे पहले कर लूँ क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो रह जाती हैं तो फिर रह ही जाती हैं और फिर मैंने ये जो तैयारियाँ की हैं वो सिर्फ एक दिन में नहीं की हैं ऑब्वियसली क्योंकि काफ़ी मुश्किल होता है हर चीज़ को एक दिन में सेटल कर, डाउन करने में अब मैं जो बना रही हूँ वो सबसे पहले बना रही हूँ टिकिया अच्छा टिकिया की रेसिपीज़ में पहले भी अपने ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ लेकिन अभी Uh, क्योंकि हर दफ़ा जो मेरे चैनल में न्यू सब्सक्राइबर ज्वाइन करते हैं तो मैंने कहा क्यों ना मैं उनके लिए भी एक और दफ़ा ये रेसिपी शेयर करूं तो उसके लिए ज़रूरी है आ, मैदा सूजी और चीनी और खोया खोपरा ये सारी चीज़ें मौजूद हैं जिसके लिए सबसे पहले मैंने डाला इसके अंदर ढाई पाव सूजी और ढाई पाव मैदा यानी जितना आप मैदा लेंगी उतनी ही आप सूजी लेंगे यानी अगर आप तीन, तीन पाव मैदा लिया तो तीन पाव सूजी लेंगे यानी ये इक्वल रेशियो के होते हैं सूजी और मैदा अच्छा बहुत से लोग इसके अंदर मैदा ही सिर्फ डालते हैं सूजी नहीं डालते लेकिन मैं यहाँ इसमें दोनों चीज़ें डालती हूँ और फिर उसके बाद ढाई पाव सूजी और ढाई पाव मैदा के अंदर मैंने पिसी हुई शक्कर डाली यानी पिसी हुई शक्कर जो सफ़ेद की होती है और वो मैंने तीन पाव डाली और उसको मैंने अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया और फिर उसके अंदर मैंने डाला खोपरा यानी पहले खुश्क चीज़ें मैंने डाल दी खोपरा डाला मैंने आधा पाव और फिर मैंने खोया डाला एक पाव अच्छा इसके अंदर भी काल इलायची जो बड़ी इलायची होती है वो मैंने पीस के डाली थी और मेरी मशीन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी तो इसलिए वो मोटी मोटी पीसी थी तो बड़ी इलायची आप अपनी मर्जी से ले रहे हैं तीन चार और फिर उसके बाद घी भी मैंने डाला था एक पाव ठीक है और फिर अच्छी तरह इसको मैंने घून ला घून लिया अच्छा दूध डालने से पहले उसी मैटर को अच्छी तरह आप घून लें और फिर दूध आप उतना यूज़ करें जितनी आपको ज़रूरत हो और फिर आपने पेड़े बना लिए और ये तकरीबन आटा गूंदने में और टिकिया बनाने में तकरीबन तीन से चार घंटे का गैप होना चाहिए ताकि आटा अच्छी तरह ढल जाए और फिर उसके बाद मैंने इस तरह टिकिया बना ली अच्छा हर किसी के यहाँ जो टिकियों की साइज़ होती है वो होती है छोटी लेकिन ये मेरे यहाँ जो होती है वो होती है बड़ी क्योंकि ये मेरी एक तरीके से ससुराल से चली आ रही है कि बड़े साइज की टिकिया बननी चाहिए तो मैं और मुझे इसको बनाने में मजा भी आता है क्योंकि काफ़ी ट्रिकी होती है ये जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं कि इसको पलटने का तरीका है कि आप प्लेट को ढके और प्लेट के ज़रिए आप इसको पलटें पहले एक साइड को आप शलो फ्राई कर लें फिर आप इसको इस तरह करके फिर दूसरी साइड को आप शैलो फ्राई कर लें तो मुझे काफ़ी मज़ा आता है बहुत अच्छा लगता है कि मैं इस चीज़ को चला रही हूँ और ये मेरी सास ने मुझे सिखाई थी और फिर मैं इसको आगे लेके जा रही हूँ तो खैर काफ़ी मुझे अच्छा लगा था और ये मैंने एटलीस्ट दो दिन पहले बना ली थी क्योंकि हम एक ही दिन में रजब की न्याज की जो तैयारियां हैं हम एक ही दिन में कुकिंग नहीं कर सकते और न्याज भी जो दिलती है वो मेन टिकिया में दिलती है और खीर में डलती है यानी न्याज जो दी जाती है वो खीर खीर और टिकिया में दी जाती है तो और वो भी फजर के वक्त दी जाती है तो पहले जो है मेरे घर कुंडे जैसे फॉर एग्जांपल अगर हफ्ते के कुंडे हैं तो मैंने ये बना लिए थे तकरीबन मैंने ये बुध को बना के मैं फ्री हो गई थी तो यकीन करें इतना सुकून मिल जाता है और ये टिक्कियाँ आपकी अपनी मर्जी होती हैं मैंने वैसे एक कुंडे के अंदर चौदह टिक्कियाँ होती हैं तो मैंने एक कुंडे की ही नज़र दिलवाई थी तो मैंने ये तकरीबन चौदह से ज़्यादा बनवाई थी लेकिन न्याज में मैंने चौदह टिक्कियाँ ही रखी थी तो ये देखें कितनी ख़ूबसूरत अंदाज है और क्या शक्ल आ रही है टिकिया की कि मुझे अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ वॉइस ओवर कर रही हूँ यानी मुंह में पानी आ रहा है मेरे और मज़े की बात है कि ये वाली टिकिया साल में एक ही दफ़ा बनती है मुझसे जबकि मेरे बहुत से फ्रेंड्स ने और बहुत से कज़न्स ने फरमाइश की है कि आप ये टिकिया बना दें लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ये टिकिया मुझसे सिर्फ साल में एक ही दफ़ा बनती है मैं बार बार ये टिकिया नहीं बना सकती और इसको मनाने का मज़ा भी यानी इसको बनाने का मज़ा भी सिर्फ एक ही दफ़ा है यानी आप इसको अगर बार बार बनाएंगी ना तो वो मज़ा आप ख़त्म हो जाएगा तो बहरहाल टिक्किया जब मैं फ्री हो गई थी बुध वाले दिन मैं टिक् से फ्री हो गई थी तो उसके बाद थर्सडे को मैंने की शॉपिंग सारी जितनी मुझे छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी और फिर फ्राइडे को मैंने स्टार्ट की अपनी कुकिंग अच्छा न्याज में ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको कहा कि न्याज़ दिलाई जाती है मेट खीरी और टिकिया में दिलाई जाती है बाकी चीज़ें आप ऑब्वियसली uh, रखते हैं क्योंकि आपका दस्तखान जितना वसी हो उतना ही आपको स्वभाव मिलता है अच्छा मेरा दस्तखान फिक्स है यानी इस रजब की न्याज़ में जो बनती है वो मेरी नहारी बनती है गीमा बनता है और आलू की सब्ज़ी बनती है तो यहाँ मैं नारी भुनवा रही हूँ फैसल से क्योंकि मेरे हाथों में हो गया था काफ़ी दर्द और मैं से भुनी नहीं रही थी नहारी तो मैंने इनको बुलाया और इनसे कहा कि साहब मेरी हेल्प आउट करें क्योंकि सर्दी भी बहुत हो रही थी इन दिनों और जब ये भुन गई तो मैंने इसके अंदर पानी डाला हंसब ज़रूरत और फिर इसको ढक के रख दिया और उसके बाद मैंने चढ़ाई खीर खीर बनाने में भी बहुत आसानी होती है क्योंकि लोग अलग से चावल और अलग से शक्कर लेते हैं लेकिन मैं सिंपली पैकेट की खीर बना देती हूँ जो बहुत ही इजी होती है क्योंकि मैं ज़्यादा झंझटों में पड़ती नहीं हूँ साफ बात है बहुत से लोग जो हैं वो बहुत मेहनत करते हैं जैसे खीर जैसे टिकिया बनाने में मैंने मेहनत कर ली मैं खीर बनाने में इतनी मेहनत नहीं करती और वैसे भी पैकेट के अंदर सब कुछ मिक्स हुआ हुआ होता है तो बाहर लेकिन जितनी आपको वीडियो में नज़र आ रहा है कि जितनी जल्दी खीर बन गई इतनी जल्दी बनी नहीं है क्योंकि आज बहुत ही हल्की आ रही थी हद से ज़्यादा इसको बनने में तकरीबन दो घंटे लगे हैं दो ढाई घंटे यानी जितनी अमूमन नॉर्मल खीर बनने में टाइम लगता है उतनी ही इसको बनने में टाइम लगा था तो फिर मैंने लिए थे यहाँ कुंडे ये दो कुंडे मैंने नए लिए थे इस दफ़ा क्योंकि मेरे लास्ट कुंडे एक टूट गया था तो मैंने इस दफ़ा कहा सोचा कि चलो क्यों ना मैं कूडे नए ले लूं और ये मेरी नहारी तकरीबन बन चुकी थी और मैंने फिर चूल्हा बंद करके इसको रख दिया था और यहाँ में मैं सजा रही हूँ खीर और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और बहुत ही स्मेल भी बहुत ही अच्छी आ रही थी अच्छा अब इमाम जाफर सादिक की न्याज क्या होती है ये भी सिर्फ खैर बरकत के लिए ही होती है यानी आपकी रिस्क में बरकत के लिए ही दी जाती है और ज़्यादातर आपने ये सुना होगा 22 रजब को हर किसी के घर कूटे होते हैं यानी इमाम जाफर सलाम की न्याज़ होती है और वैसे भी कहा जाता है कि अगर आप हर आ, महीने 22 तारीख़ को न्याज़ दें तो आपके रिस्क में बरकत होती है तो इसी वजह से आ, जो है 22 रजब को हर किसी के घर में होती है लेकिन अब कोई एक हर कोई 22 रजब को नहीं कर सकता तो तकरीबन पूरे महीने ही यानी श्रजब के पूरे महीने ही जो है ये नयाज आपकी चलती रहती है पहली से लेकर तीस तक और बहुत से लोग तो शाबान के महीने में भी नयाज देते हैं तो बहरहाल यहाँ पे मैं दोनों कुंडों में खीर मेरी सज गई थी जिसमें मैंने ऊपर से इस दफ़ा घानिशिंग सिर्फ बादाम से की थी और आपका वर्क ना हो तो वो खीर लगती नहीं है और इस तरह टिक्कीियों को भी मैंने एक बड़े कुंडों में सजा दिया था और उसके ऊपर भी मैंने वर्क लगा दिया था तो इस तरीके से मेरी नियाज हो गई थी तैयार यानी नियाज की जो मेन चीज़ें हैं खीर और टिकिया मेरी हो गई थी तैयार और इनको अच्छी तरीके से एक को मैंने फॉइल पेपर से कवर कर दिया था और बाकी खीर को मैंने क्लिंग शीट से अच्छी तरह इसको कवर कर दिया था तो बहुत मुझे सुकून मिल गया था और उसके बाद मैंने की थी तैयारी बाकी चीज़ों की और फिर सुबह फजर के वक्त मैं फैसल उठ गए थे और हम लोग ने दी न्याज इमाम जाफर सलाम का सुना मुआवज़ा और टेबल को बस मैंने इस तरह थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया था और फिर मैंने सोचा था कि फिर मैं सुबह बाद में जो हूँ जब और अच्छी तरीके से काम हो जाएगा ये सूफे वाफे हट जाएंगे तो फिर मैं आराम से इसको डेकोरेट करूँगी अच्छा अब यहाँ पे मैंने फ़र्श बिछा लिया था और सारी चीज़ें मैंने लगा ली थी और इस दफ़ा मैंने सोचा था कि इस दफ़ा मैं थीम दूंगी सिल्वर कलर की लास्ट टाइम मैंने दी थी गोल्ड कलर की थीम लेकिन इस दफ़ा मैंने प्योरली ये सारी चीज़ें मैंने बाय की थी यानी मैट्स आप लोग तो देख रहे हैं इस दफ़ा सिल्वर मैंने ये मैट्स खासतौर तो पे बाय किए थे मेरे पास थे सर्कल शेप के थे लेकिन मैंने कहा कि मैं इस दफ़ा थोड़ा सा डिफरेंट शेप के मैट्स बाय करूँगी और ये खैर टेबल रनर भी मेरे पास पहले था यानी आपके पास घर में ही जो चीज़ें हों उसी को अगर आप एक इमेजिन करके आप अपने घर को अच्छी तरह डिकोर कर सकते हैं और मैं लैम्प जो था मेरे पास यानी जो एक आ, वो गोल्डन ही था वाइट वाला ख़राब हो गया था तो इसलिए मैंने वो हटा दिया था और इस तरीके से मैंने यहाँ भी भी अच्छी तरह डिकोर कर लिया था और नो डाउट बहुत ही खूबसूरत लग रहा था बहुत ही अच्छा लग रहा था और सर्दी बेंधा थी हद से ज़्यादा थी इस दिन मेरे यहाँ जिस दिन थी बहुत ज़्यादा सर्दी थी तो आप देख रहे होंगे कि हम लोग पूरे वक्त जो है वो टोपा और जैकेट्स और स्वेटर्स पहने हुए क्योंकि काम भी करना ज़रूरी था और सर्दी से बचाव करना भी ज़रूरी था तो इस तरीके से यहाँ पे हो गई थी ड्रेडी मेरी न्याज की टेबल यानी जिसके ऊपर मुझे न्याज यानी सिर्फ खीर रह गई थी खीर ऑब्वियसली फ्रिज में रखी हुई थी और टिकियाँ मैंने यहीं रखी हुई थी और मैंने कहा था जब लोग आएंगे तो फिर मैं यहाँ पे खीर भी रख दूँगी को करने के बाद फिर मैंने सारा फाइनल किया अपना खाना जैसे कि ये आप देख रहे हैं आलू छोले की सब्ज़ी मेरी हो गई थी रेडी नहारी भी हो गई थी मेरी तैयार और क्या खूबसूरत शक्ल आई है कीमा भी मेरा दम का कीमा कहते हैं कुछ लोग कुछ लोग गलावट का कीमा कहते हैं तो ये तीनों चीज़ें मैंने मेन कोर्स तैयार हो गया था और साथ ही साथ मैं छोले और दही फुल्कियाँ भी रखती हूँ तो वो भी मैंने उसकी भी आधी आधी तैयारी कर ली थी और इस तरीके से मेरे घर की न्याज की तैयारी पूरी कंप्लीट हो गई थी और फिर बाद में मैंने खीर भी रख दी थी जब लोग आना स्टार्ट हो गए थे तो फिर मैंने एक सोचा कि एक फ़ाइनल लुक आप लोगों को दिखाया जाए ऑब्वियसली मेहनत इसमें बहुत होती है और साथ साथ वीडियो शूट भी करना इट्स अ वेरी टफ जॉब ड्यूरिंग दीज ऑल प्रिपरेशन सो मैं ये आप लोगों से सपोर्ट चाहती हूँ कि आप लोग लाइक भी करें सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें ऑब्वियसली इतनी मेहनत से चीज़ें बनाते हैं तो इंसान ऑब्वियसली उसका फल तो चाहता है और नो डाउट मुझे उसका फल अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा अच्छा मिल रहा है मुझे व्यूज़ भी बहुत अच्छे आ रहे हैं मुझे लाइक और सब्सक्रिप्शन भी आ रहे हैं और यहाँ मेरे दोनों छोटे जानो बेबीज तैयार हो गए थे और फाइनली मेहमान आ गए थे तो मैं उन्हीं से कह रही थी कि मुझे ऐसा वीडियो बनवा दे तो बहरहाल ये था मेरा आज का व्लॉग आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा सो प्लीज़ काइंडली डू सब्सक्राइब हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आप लोगों को ये वाला व्लॉग कैसा लगा ऑब्वियसली आप इसके बाद जो है बैक टू अक्का रांची इनशाला नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ टिल देन अल्लाह हाफिज़